नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, आप सभी को एक किसान मित्र पूछ रहे थे कि बीज उपचार करने का सही तरीका क्या है। मतलब काफ़ी सारे किसान मित्र जो हैं उनके यहाँ पर मशीनें हैं, काफ़ी सारे किसान मित्र स्प्रे पंप में लेके डालते हैं। तो दोस्तों, सही तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो कम समय में बहुत अच्छा काम जिसमें होता है। तो आपके सामने जो तरीका देख रहे हैं ये बहुत सही तरीका है, मैं भी इसी का उपयोग करता हूँ। और होता क्या है दोस्तों कि आप ये समझिए कि एक कप को 5x5 का एक प्लास्टिक लेना है। अब प्लास्टिक क्यों लेना है, काफ़ी सारे किसान मित्र तिरपाल या फिर नॉर्मल जो अपना पाल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने पाल का उपयोग किया था, पाल जो होता है पाल का प्रयोग करके उसके ऊपर कलियाँ डालकर ऐसे मिलाते हैं। तो उससे होता क्या है कि पाल जो है वो जितनी दवाई हम डाल रहे हैं वो दवाई चूस जाते हैं। अगर आप प्लास्टिक लेते हैं तो प्लास्टिक में सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप यहाँ पर देखिए ये उपचार करने का काम चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़े आपको एक तगारा या डेढ़ तगारी के आसपास आपको यहाँ पर डाल देना है, और डालने के बाद में आपको इस प्रकार से मिला लेना है। अगर आप मिला लेते हैं तो बहुत सही तरीके से आपका जो बीज उपचार है वो हो जाता है। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा कारगर है। हर किसान के पास में मशीन नहीं है, मशीन में कलियाँ, अगर सोयाबीन अगर हम उपचार करते हैं तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लहसुन की कलियाँ जो है वो थोड़ी ये कह सकते हैं कि कटने फटने की समस्या आती है। अगर कट लगता है या फिर कहीं पे निशान होता है, प्रॉब्लम होती है, तो हमारा पौधा बीमार हो जाता है बाद में जाके, तो बहुत सावधानी रखनी होती है। तो मशीन में इतना ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा कि मशीन में इतना ज़्यादा बीज उपचार कारगर नहीं है, हाथों से उपचार बहुत ज़्यादा कारगर है। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर कलियाँ हो रही है, आप इसके ऊपर डालेंगे और वापस से सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने आपको पहले बताई, वो सबसे बढ़िया तरीका है। और मैं आपको उपचार का भी बता देता हूँ, किसान मित्र उपचार के लिए मुझे बोल रहे थे, ये स्वाल कंपनी का कैस्केट के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको मिलेगा एजेस्टोस्टोबिन 2.5%, थायपेनोट मिथाइल 11.25%, थायमेथोक्सोन 25% FS में। इसके अंदर आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का अनूठा कॉम्बिनेशन मिलता है, ये आपको कीड़ों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा और इससे भी सुरक्षा प्रदान करेगा फंगस से। तो बहुत शानदार है, मैं पिछले 2-3 सालों से इसका उपयोग कर रहा हूँ। अगर आप UPL में जाएंगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉन के नाम से मिलेगा, बेस्ट एग्रो में जाएंगे तो वार्डन के नाम से मिलेगा, सेम टेक्निकल सेम चीज़ें। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया है। एक किसान ने मुझसे ये पूछा था कि पानी कैसे मिलाया जाए, तो दोस्तों अगर आपको ये अगर इसका उपचार का सही तरीका देखा जाए तो ये 400 ml का पैक आता है, ये आप यहाँ पर देखिए 400 ml के पैक के अंदर आपको 2 क्विंटल कलियाँ इसमें उपचारित होती हैं। थोड़ा महंगा है पर आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 2 क्विंटल कलियाँ उपचारित होती है। कलियों की बात कर रहा हूँ मैं, कलियाँ 2 क्विंटल उपचारित होती हैं। तो आप ये समझिए कि आप ये 400 ml वाला जो है इसके अंदर आपको एक लीटर बनाना है आपको इसको कंप्लीट। 1 लीटर बनाना है मतलब आपको 400 ml में 600 ml पानी और मिलाना है। आप 1.5 लीटर भी मिला सकते हैं, वो समस्या नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसको मिलाएंगे, आपने यहाँ 100 ml का नाप रखा हुआ है और एक इन्होंने आपने नाप बना रखा है कि टोटल 2 तगारी यहाँ पर डालनी है, 2 तगारी डाल दी, लगभग 15 से 20 किलो के आसपास कलियाँ आपकी चली जाती हैं। और इतनी कलियाँ डालने के बाद में आप 100 ml का जो नाप है वो डाल देते हैं और अच्छे से बीज जो है वो उपचारित हो जाता है। एक बार और प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि वो 100 ml का नाप आपके सामने चल रहा है, 100 ml के नाप से ये डालने के जस्ट बाद में बहुत शानदार तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ये जो कुछ किसान मित्र हैं रियावन से, आप उपचारित कर रहे थे तो मैंने देखा और यहाँ पर आया था तो मैंने वीडियो बनाया है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय जवान जय किसान।